सोनी सर्विस सेंटर में तीसरी बार आ रहा हूँ। अगर इस बार मेरा काम नहीं हुआ ना सोनी, जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर चेन्नई में आया था वो हो चुका है ख़त्म। अब जाना है मुंबई। लो जी, पहुंच गए मुंबई सही सलामत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ बातें करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूब का दुकान MSK ब्लॉग्स। तो आप लोगों को याद होगा दो दिन पहले मैं रवि भाई के पास गया था। एक्चुअली मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ दिवाली के लिए, स्पेशल ट्रिप, जिसके लिए मैं कार बनवाने के लिए गया था रवि भाई के पास। कार में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। आज दोपहर में रवि भाई का कॉल आया, कार को लेके बुलावा आया, तो हम चले गए रवि भाई के शॉप पे गोरेगांव। गाड़ी का काम हो गया, आइए गुरुजी से जानते हैं कि क्या क्या काम हुआ। सर मैं आपका शिष्य, ये पुराने, ये हमारा स्टीयरिंग रैक पूरा नया आ गया है, लोअर आर्म और लिंकेज, स्टेबिलाइजर लिंकेज। भाई अंदर बैठता है। गुरुजी, हमारी जनता जानना चाहती है कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। गाड़ी जानना चाहता हूँ। गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम था लेकिन अभी सब परफेक्ट हो चुका है। गाड़ी रेडी हो गई लॉन्ग रूट के लिए। स्टेयरिंग रैक चेंज हुआ है, लोअर आर्म चेंज हुए है, स्टेबिलाइजर लिंकेज चेंज हुआ है, और जो चेक इंजन का लाइट आ रहा था ना उसका सबसे बड़ा गुनहगार ये था, तो इसको भी हम लोगों ने निकाल के फेंका है और चेक इंजन लाइट चला गया है। और गाड़ी अभी टकाटक, ऑयल चेंज सब कुछ हो गया है, वाइपर्स डाल दिए, आगे पीछे के व्हील कैप डाल दिए, गाड़ी रेडी टू फ्लाई। नॉट रेडी टू ड्राइव, रेडी टू फ्लाई। तो अभी अभी मोहम्मद सलीम खान जो मोटो जॉकी है अभी वो कार जॉकी बन जाएंगे। कार जॉकी, कार में ब्लॉग बनाएंगे, कार के ब्लॉग, बाइक में ब्लॉग हो गए, अभी कार में ब्लॉग, कार के ब्लॉग आएंगे। वेरी डिसअपॉइंटेड विद सोनी, वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं यहाँ पर, मेरा आदत, मैं आपको बता रहा, मेरी आदत ऐसी है कि अगर कोई चीज़ मुझे खरीदनी होती है तो मैं ना प्राइस नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ कि सबसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ मिले। जैसे ये लैपटॉप हो, मैंने सबसे महंगा वाला देख के लिया कि अच्छा होगा। उसी तरह से जब मैंने कैमरा लिया था Alpha 7 Mark III, और उसमें जो लेंस लिया था, ये दोनों का कॉस्ट हुआ था लगभग 1 लाख, मतलब दोनों का मिला के 3 लाख रुपए खर्चा हुआ था। खर्चा करते वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि पैसा है, खर्चा करते वक्त मैंने ये देखा कि क्वालिटी है। और जब अब इस पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अगर चीज़ें खराब होती है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ सोनी के कैमराज। अब मेरे पास सोनी Alpha 7 Mark III मेरा प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा मेरा सोनी Alpha 6 300, तीसरा मेरा कैमरा सोनी RX100 Mark V। एक 10 दिन पहले मैं गया था सोनी सर्विस सेंटर में, क्योंकि मेरा जो मेन कैमरा था Alpha 7 Mark III, उसका माइक जैक नहीं चल रहा था। तो मैं वहाँ पर गया, 3 दिन कैमरा सर्विस सेंटर पर रखा और मेरे को बना के मिला, और उसके 1 हफ्ते बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम माइक जैक का। और इस बार प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज जब मैं बात करता था तो वॉइस की फ्रीक्वेंसी अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो रही थी, जो कि बहुत ही गंदा सुनाई दे रहा था, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, वैसा हो रहा था। फिर से मैं गया सोनी सर्विस सेंटर, इस बार मैं रवि भाई को साथ में लेके गया, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं था, तो रवि भाई को बुलवा, चलो थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो रवि भाई साथ में मेरे चले। तो सर्विस सेंटर में गया था अपना Alpha 7 Mark III देने के लिए और ये सोनी RX100 Mark V लेने के लिए। आज की सवारी है हमारे गुरुजी ने वर्सेस 650 भी लिया है, नई नवेली दुल्हन यहाँ पर पटाखे ने इनका सीट पे छेद कर दिया, क्या करे, और इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन जाके बोलिएगा, थैंक यू वेरी मच। नई गाड़ी के लिए आज मोटो जॉकी ने, आज पिलियन जॉकी। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यार। ट्रैफिक इज अ पार्ट ऑफ मुंबई। हम लोग आरे कॉलोनी में है, अभी आरे कॉलोनी में ट्रैफिक से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं पिलियन जॉकी के साथ में, पिलियन जॉकी के साथ में गुरुजी मोटो जॉकी बने हुए हमारे साथ। वेजिटेबल एकदम फ्रेश वेजिटेबल मिलते हैं, इधर ही बनता है। सोनी सर्विस सेंटर में तीसरी बार आ रहा हूँ, अगर इस बार मेरा काम नहीं हुआ ना सोनी, हो जाएगा फिर भी मैं सोनी यूज करूंगा, क्या कर सकता हूँ यार। नहीं
RX 100 Mark 5, ये कैमरा जब मैंने दिया था वारंटी में था, और अभी इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, 12 अक्टूबर इसकी वारंटी खत्म हो गई। अगर अभी मैं इसको बनाने के लिए दूंगा ना तो खर्चे लंबे। ये छोटा सा कैमरा है लेकिन इसका प्राइस 75,000 है। वहां पर चेक किया तब बराबर था। अगर कभी अभी प्रॉब्लम हुआ गिव अवे करवा दूंगा, मैं इसको बनाऊंगा नहीं। मैंने हैंडी लिया था, मतलब इसमें इस कैमरे में सबसे अच्छी बात ये है, मैं जब शुरुआत में मैं इससे ब्लॉग करता था तो मैंने इसको स्लो कैमरा बोला था, बिकॉज इसमें ना 1000 FPS है और ये कमाल का स्लो मोशन लेता है, तो ये लेजी कैमरा था। चेक किया, अच्छा था, ले लिया। मेरा जो मेन कैमरा है जिससे मैं फोटोज और वीडियोस लेता हूँ जो कि कमाल के आते हैं, वो कैमरा मैंने अपना कैमरा दे दिया हूँ। बाकी बातें घर पहुँच के, इसे हो नहीं पाएगा, अंधेरा हो गया। ये GoPro है और लो लाइट में ये टट्टी कर देता है। जनता को हमारा पसंद है, कुछ भी लो लाइट रहने दो, कुछ भी रहने दो, हमें इसकी पसंद है। तो मेन कैमरा है सर्विस सेंटर पे और वो कह रहे हैं कि दिवाली के बाद मुझे मिलेगा। तो मेरे पास अभी ब्लॉगिंग के लिए RX 100 Mark 5 और ये जो कैमरा है Alpha 6300, ये दोनों से मैं ब्लॉग कर सकता हूँ। लेकिन Alpha 6300 का जो किट लेंस है वो ये है, इसमें उतना वाइड नहीं मिलता है, क्योंकि जो मेरा ये मेरा जो लेंस है ये काफ़ी वाइड देता है और फोटोज भी बहुत अच्छे आते हैं इसमें। तो कैमरा तो सर्विस सेंटर में गया है, ठीक है। अब अगर मुझे ब्लॉग करना है तो मुझे ना वाइड एंगल का ना आदत पड़ गया है, और इस किट लेंस में उतना वाइड नहीं आता है, तो मैंने एक लेंस परचेज किया। दे दो भाई E-mount 1018 लेंस, जो कि अभी लगा के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी वाइड है ये तो। बट यू नो जो मज़ा इसमें आता है ना, वो मज़ा इसमें नहीं है। अभी जो मैं ट्रिप में जा रहा हूँ उसमें मेरे को वाइड चाहिए, और वाइड चाहिए यार, मतलब चाहिए वाइड। तो ये लेंस लिया, थोड़ा खर्चा हुआ है, ऐसे दर्द भी हुआ यहाँ पर, लेकिन जब भी मैं लैपटॉप में और कैमरे में लेंस में पैसा खर्चा करता हूँ तो इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन जब बाइक पे जाता है तो थोड़ा दर्द होता है। नहीं, बाइक पे भी नहीं होता है, कपड़े पे भी नहीं होता, दर्द कहीं नहीं होता, लेकिन दर्द ना होके भी दर्द होता है जब पैसे निकलते हैं। या अभी कुछ दिनों के लिए ये कैमरा है मेरा, तो ये मेरा बैकअप कैमरा है। ट्रिप की तैयारी काफ़ी जोरों शोरों से हो रही है, और दिवाली के लिए एक जगह मैंने फाइनलाइज की है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की जानकारी आपको मिलेगी। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम। ओए ओए।